इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था जेंडर के प्रकार, चार प्रकार के जेंडर होते हैं, पहला मैस्कुलिन, दूसरा फेमिनिन, कॉमन जेंडर और फिर न्यूट्रल जेंडर। आज हम जेंडर समझने के सामान्य नियमों के बारे में जानेंगे। पहला है नियम जो है, जैसे जिन शब्दों से स्ट्रेंथ का बोध हो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, शक्ति पावर, तो जिसमें हमें जिन शब्दों से हमें स्ट्रेंथ का बोध होता है वे मैस्कुलिन जेंडर में होते हैं, जैसे द सन, समर, विंटर, डेथ, टाइम एक्सेट्रा। और जिन शब्दों या ऑब्जेक्ट से ब्यूटी, जेंटलनेस या ग्रेसफुलनेस प्रतीत हो वे फेमिनिन जेंडर होते हैं, मतलब जिससे सुंदरता, थोड़ा सा जो है स्त्रीत्व का गुण हो, या जिसमें हमें एक चमक, एक आकर्षण का भाव आए, वो आते हैं फेमिनिन जेंडर में। उसमें मून, अर्थ, स्प्रिंग, ऑटम, नेचर, मर्सी, जस्टिस, पीस, होप और चैरिटी, इसी तरह के और भी जो गुण होते हैं वो इसमें आएंगे फेमिनिन जेंडर में। मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के कुछ नियम हैं। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन जो है एक दूसरे से पूरा अलग होता है, भिन्न होता है, जैसे कि बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, ठीक है। और कुछ जो है मैस्कुलिन के फेमिनिन हम ESS लगा दें तो उससे बन जाता है, जैसे ऑथर है, लेखक, अब उसको लेखिका करने के लिए हमें ESS लगा देंगे तो उसका फेमिनिन हो जाएगा, ठीक है। लायन है, शेर, उसमें ESS लगा दें तो शेरनी हो जाएगा, ठीक है, लाइनेस हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो नियम है वो है, मैस्कुलिन के फेमिनिन बनाते समय शब्द के अंत के वॉवल को हटाकर ESS जोड़ा जाता है, जैसे कि एक्टर में ओ हटा देंगे तो आर के बाद हम ESS जोड़ देंगे तो एक्ट्रेस हो जाएगा, हंटर में ई हटा देंगे, आर के बाद ESS जोड़ देंगे, हंट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब वॉवल होता है लास्ट अक्षर के पहले, उस वॉवल को हटा देते हैं और उस अक्षर के बाद हम ESS जोड़ देते हैं, इससे हमारा जो है मैस्कुलिन से फेमिनिन बन जाता है। कुछ मैस्कुलिन के फेमिनिन निम्नलिखित होते हैं, जैसे हीरो का हीरोइन, फास का विजन, मतलब ये एकदम अलग है। तो और जिस नाउन के मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग नहीं है, ठीक है, जिसके नहीं है उसको हम उनका आवश्यकता अनुसार फॉर्म ही या सील लगा करके, मतलब सेक्स को तक हम उसमें लिंक बता देंगे कि ही है कि सी है, तो उससे जो है वो बनेगा, नाउन, प्रोनाउन या नाउन को जोड़ के बनाते हैं, ठीक है। अब वो जैसे कि बुल काफ है तो उसको हमने काउ काफ, ही बियर को सी बियर, ठीक है, ही गोट सी गोट, तो इस तरह से जो है हम इन शब्दों को मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज करेंगे। उसके बाद जो है हमने पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारा नाउन के बारे में हम बता चुके हैं, और जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की परिभाषा, जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जो शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं वो प्रोनाउन होते हैं, जो द वर्ड विच इज़ यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, तो उसमें ही, सी, इट, हु, देम, इस जो भी आएंगे शब्द प्रोनाउन के स्थान कहलाएंगे, जैसे कि प्रोनाउन की परिभाषा क्या होगी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, द वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जिसमें ही, सी, हु, देम, हर, हिम, ये सब आएंगे। उसके बाद जैसे कि ये उदाहरण दिया हुआ है, रामू डिड नॉट कम एज ही वॉज इल, रामू नहीं आया क्योंकि वो बीमार था, तो यहाँ पर जो ही है वो किसके लिए आया है, रामू की जगह पर आया है, यानी कि रामू संज्ञा है तो ही क्या है, सर्वनाम है। राधा फेल्ड बिकॉज सी डिड नॉट वर्क हार्ड, तो राधा के लिए यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, सी, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में रामू के लिए ही और राधा के लिए किसका प्रयोग हुआ है, सी का, ये ही और सी दोनों क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। अब हम जानेंगे सर्वनाम के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार निम्नलिखित है, जिसमें से पहला
पहला प्रोनाउन का प्रकार है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन जो है उसको व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। वो तीन प्रकार के व्यक्तियों के लिए होते हैं। जैसे पहला क्या है, द पर्सन स्पीकिंग, जो जो व्यक्ति बोल रहा है, द उसमें आई वी, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे वो बोल रहा है, मतलब व्यक्ति जो बोल रहा है और जिससे बोल रहा है वो क्या होगा, यू, ठीक है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, मतलब जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ही, सी, इट, दे। तो जो पहला प्रकार है द पर्सन स्पीकिंग, ये फर्स्ट पर्सन के नाम से जाना जाता है। द पर्सन स्पोकन, ये सेकेंड पर्सन के नाम से जाना जाता है। और जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, जो द पर्सन स्पोकन ऑफ, वो थर्ड पर्सन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन मैस्कुलिन और फेमिनिन में जो है, एक दोनों में एक सामान्य रूप से एक ही चीज प्रयोग की जाती है, जिसमें से पहला जैसे है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में जो कर्ता कारक जिसे कहते हैं, उसमें सिंगुलर में अगर वो आई है तो उसका जो प्लूरल है वो वी हो जाएगा। पोसेसिव केस जिसे हम संबंधवाचक कहते हैं, मतलब वस्तु और व्यक्ति का संबंध दिखाने के लिए, तो सिंगुलर में माई माइन है, प्लूरल में वो आवर और आवर्स हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस जिसे परोक्ष कारक, जिसमें से मी है, तो हम जब उसको प्लूरल में करेंगे तो वो अस हो जाएगा। तो इन शब्दों का जो प्रयोग होता है समान रूप से स्त्री और पुरुष दोनों में किया जाता है। इसमें मैस्कुलिन और फेमिनिन अलग अलग नहीं प्रयोग होता है, इसमें हम एक ही चीज़ें दोनों में यूज़ करते हैं। अब सेकेंड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो मैस्कुलिन फेमिनिन में क्या है, पहला है नॉमिनेटिव केस में दाउ सिंगुलर में, और उसको जब हम प्लूरल में यूज़ करेंगे तो वो यू हो जाएगा, ठीक है। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक। पोसेसिव केस में क्या होगा, परोक्ष कारक में दाई और दाइन जो सिंगुलर में रहेगा तो प्लूरल में वो योर और योर्स हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस में दी और उसको प्लूरल में यू हो जाएगा। ये भी स्त्री पुरुष के लिए समान रूप से हम इनका प्रयोग करते हैं। यू, योर, यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों में किया जा सकता है। अब जो थर्ड पर्सन है उसमें जो है सिंगुलर में मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूटर, तो अब इसमें नॉमिनेटिव में ही है तो फेमिनिन का ही का सी हो जाएगा और न्यूटर में ये इट हो जाएगा, ठीक है। और प्लूरल में सभी जेंडर्स के लिए, मतलब सभी मैस्कुलिन फेमिनिन और न्यूटर के लिए वो दे कहलाए, दे में कहा जाएगा। पैसोसी केस में हिज मैस्कुलिन रहेगा और फेमिनिन में हर और हर्स हो जाएगा। न्यूटर में इट्स और प्लूरल में सभी जेंडर्स के लिए देयर और देयर्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में हिम रहेगा तो मैस्कुलिन में, और उसका फेमिनिन जब करेंगे तो उसके जगह पे हम हर का यूज़ करेंगे, और न्यूटर में वो इट हो जाएगा और उसका जो है प्लूरल देम हो जाएगा। इसमें जो विशेष बात यह है कि अधिकांश जो प्लूरल प्रोनाउन के पोसेसिव केस जो होते हैं, जैसे माई, आवर, दाई, योर, हिज, हर, देयर, वो पोसेसिव एडजेक्टिव कहे जाते हैं, क्योंकि वो नाउन के साथ प्रयुक्त होकर के एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे कि जो उदाहरण दिए हुए, देखो दिस इज हर पेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो हर है यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। दीज आर योर बुक्स, तो यहाँ पर जो जो मोटे छपे शब्द हैं वो क्या है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें हम प्रोमिनल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे विशेष क्या है, हिज शब्द का प्रयोग एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों में रूपों में किया जा सकता है। दैट इज हिज पेन, मतलब यहाँ पर हिज क्या है, ये एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, क्योंकि ये हम पेन के पहले यूज कर रहे हैं। अब द पेन इज हिज, यहाँ पर ये प्रोनाउन हो गया, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन के कुछ और उदाहरण में, जैसे दिस हाउस इज माइन, दोज बुक्स आर योर्स, ठीक है। दिस गार्डन इज हर्स, दिस आइडिया ऑफ योर इज नॉट पॉसिबल, ये क्या, ये सब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के तौर पर माइन, योर, हर और योर्स का प्रयोग किया जा रहा है। इट का प्रयोग, इट क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है और ये लाइफलेस चीजों के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए हम इसको प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज योर बुक,
बुक क्या है? निर्जीव वस्तु है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने इट का प्रयोग किया है, टेक इट अवे। यहाँ पर इट का प्रयोग बुक के लिए किया गया है, ठीक है। और जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें सभी वाक्यों में इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए किया गया है, ठीक है। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सब्जेक्ट जो होता है, कर्ता जो होता है, कर्ता कार्य की ओर ही इंगित करे, मतलब खुद के लिए, जैसे माई के लिए, माई माई सेल्फ, ठीक है, हिम हिमसेल्फ। तो जब कर्ता अपने किए हुए कार्य की ओर ही संकेत करे तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सब क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आएंगे और ये सिंगुलर नंबर में आएंगे। उसके बाद है देम सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, सब ये सब प्लुरल नंबर में आएंगे, बहुवचन कहलाएंगे, ठीक है। एक ही पिक्ड हिमसेल्फ, तो यहाँ पर ही पिक्ड हिमसेल्फ ये क्या है? सिंगुलर नंबर है। दे पुट देम सेल्फ इंटू डिफिकल्टी, ये सेकेंड वाला प्लुरल नंबर में आएगा। इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में विशेष बात यह है कि पर्सनल प्रोनाउन के एक वचन में सेल्फ और बहुवचन में सेल्फ लगाने से बनता है। ऊपर देखिए जो शब्द दिए हुए हैं वो सिंगुलर में यूज हो रहे हैं, तो क्या है? एस ई एल एफ लगा हुआ है, और जब इसका बहुवचन बनाएंगे तो एस ई एल वी ई एस हो जाएगा, ठीक है। तीसरे प्रकार का जो प्रोनाउन है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी चीज की ओर संकेत करें, दिस दैट दीज दोज, ठीक है, ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जब इनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। जैसे दिस इज योर बुक, दिस इज ए बुक, दीज आर पेन्स, दैट इज द रेड फोर्ट, दोज आर फ्लावर्स। यहाँ पर दिस दीज इनका सबका प्रयोग जो है हम जो है प्रोनाउन के रूप में कर रहे हैं। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, आइदर, नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है, क्योंकि वे किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। अतः इसका प्रयोग सदैव सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गेट ए प्राइज, मतलब ईच ऑफ द बॉयज, इसमें जो है किसी एक वस्तु या व्यक्ति की ओर इशारा हो रहा है, और इसका प्रयोग हम सिंगुलर नंबर में कर रहे हैं, ठीक है। आइदर ऑफ दीज रोड लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, तो ये एक सड़क की ओर इशारा कर रहा है। नाइदर ऑफ टू हाउसेज इज गुड, ठीक है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो है प्रश्न पूछने का काम होता है, तो उन नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं जो कि इन शब्दों से प्रश्न पूछने के परिणाम स्वरूप हमें मिलते हैं, तो हमको इनको कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट इज दिस, हु रोड दिस बुक, इसमें क्या है? प्रश्न पूछने का काम हो रहा है और इसमें ये सब्जेक्ट के तरह के रूप में यूज किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम में सामान्यतः क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग दो समान उपवाक्यों में संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। मतलब क्या है? रिलेटिव, जब हम संबंध दिखाते हैं दो 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 उप एक वाक्य का से दूसरे वाक्य से हम जब संज्ञा का संबंध प्रदर्शित करते हैं तब हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। दिस इज द बॉय हु शोड मी ए पिक्चर, यहाँ पर दिस इज द बॉय एक एक वाक्य है और दूसरा वाक्य है शोड मी ए पिक्चर। इसको जोड़ने के लिए हमने हु शब्द का प्रयोग किया है। आई गॉट द पेन विच वॉज लास्ट स्टरडे, यहाँ पर हु और विच क्या है? ये संबंध दिखाने बताने मतलब दोनों वाक्यों में संबंध करने के लिए हमने ये इन शब्दों का प्रयोग किया है, ठीक है। अब कुछ प्रोनाउन के संबंध में कुछ और जानकारी है जो हम इसमें बता रहे हैं कि जैसे पर्सनल प्रोनाउन के प्रयोग का क्रम निम्नवत होता है। जैसे यू ही आई, यू यू एंड ही केम हियर, पहले हम ही नहीं लगाएंगे, पहले हम यू लगाएंगे, उसके बाद ही लगाएंगे, ठीक है। यू एंड आई विल गो टुमारो, ठीक है। अगर हम एक साथ इन प्रोनाउन का यूज़ कर रहे हैं तो पहले हम यू का प्रयोग करेंगे, अगर तीनों का करना है तो यू ही एंड आई तीनों ऐसे करेंगे, ठीक है। मी हिम देम सदैव ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि ही टॉक्ड टू हिम, ठीक है, ही गेव मी ए पेन। यू का प्रयोग नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में किया जाता है। जैसे यू रोट ए लेटर, यहाँ पर यू सब्जेक्ट है, ठीक है, करता है,
नॉमिनेटिव केस में है, आई रोट यू ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव मीन्स क्या होता है, संबंध कारक, ठीक है। तो यहाँ पर यू का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है, आई के साथ माई, यू के साथ योर और ही के साथ हिज, सी के साथ हर का प्रयोग हम सामान्य रूप में करते हैं। जैसे इसके बाद जो भी अभी ऊपर मैंने बताया है उससे संबंधित ये एक्सरसाइज है, इसमें आपको बताना है कि कौन प्रोनाउन कहाँ पर है, प्रोनाउन को आपको अंडरलाइन करना है। जैसे आई वॉज, माई क्लॉथ, माई सेल्फ, इसमें जो प्रोनाउन है उसको अंडरलाइन करना है। जैसे माई और माई सेल्फ प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से जो ये वाक्य यहाँ पर दिए हुए हैं इनको आपको जो है अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, ठीक है। इसके आगे का जो 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 भी तीसरा जो पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, वो हम अगले जो है वीडियो में बताएंगे आपको।